गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा छठी का लेसन नंबर 14 जल पढ़ेंगे। हमारा जो फर्ज है कि हम जल को बहुत अच्छी तरह से उपयोग करें, क्योंकि आने वाले समय में जल जो है हमारे लिए एक ऐसी वस्तु हो जाएगा जो हमें बहुत मुश्किल से मिलेगी। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि पृथ्वी पर जल कितनी मात्रा में उपस्थित है और कितनी मात्रा में जल उपस्थित होने के बाद भी हम ऐसा क्यों कहते हैं कि जल की हमारी पृथ्वी पर कमी हो रही है। आप जानते ही हैं कि पृथ्वी पर लगभग 2/3 जो पृथ्वी का भाग है, यानी कि 71% भाग जो है पृथ्वी का वो जल है। इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को हम ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसका बहुत अधिक भाग जो है जल से ढका हुआ है। लेकिन ये जल है कहाँ पर? ये जल जो है मुख्य रूप से कहाँ पर है? महासागरों में या फिर समुद्रों में है। तो यहाँ पर जो उपस्थित जल है उसका हम बहुत अधिक उपयोग नहीं कर सकते सीधे, क्योंकि ये जल कैसा होता है? लवणीय होता है, अर्थात इसमें बहुत अधिक मात्रा में लवण मिले हुए होते हैं। तो हम इन दोनों स्थानों पर जो जल उपस्थित है उसका उपयोग नहीं कर सकते, और यही कारण है कि जो उपयोग के लिए अलवणीय जल है, उपयोग के लिए कौन सा जल होता है? अलवणीय जो जल है उसकी मात्रा बहुत हमारे पास सीमित है, और उस सीमित मात्रा को ही हम बचाने की और सदुपयोग करने की बात करते हैं। तो अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि जो जल महासागरों में और समुद्रों में है, क्या वह जल हमारे लिए कोई काम का नहीं है? हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये जल भी हमारे लिए उपयोगी होता है। आइए देखें कैसे ये जल हमारे लिए उपयोगी होता है। अब जो जल महासागरों में या समुद्रों में उपस्थित है वो लवणीय जल है। उसका उपयोग हम सीधे तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये जल हमारे लिए उपयोगी होता है, क्योंकि यही जल जो है वो वाष्पीकृत होकर वर्षा के रूप में नदियों, कुओं, तालाबों में वापस आ जाता है। तो इस जल की भी उपयोगिता हमारे लिए बहुत अधिक है। इसे और अधिक अच्छी तरह समझने के लिए कि कैसे ये जल वाष्पीकृत होता है, कैसे वर्षा का निर्माण होता है, हम जल चक्र के विषय में पढ़ेंगे। जल चक्र से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार पृथ्वी से जल वाष्पीकृत होता है, संघनित होता है, और फिर संघनन के बाद वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस आता है।